हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो आइए, आपका स्वागत है हमारे सस्ते गेम प्ले में। जान रहा हूँ आप सोच रहे होंगे मैं कुछ दिन पहले मॉन्टेज बना रहा था, आज गेम प्ले डाल रहा हूँ, ऐसी क्या बात हुई। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मुझे एडिटिंग ढंग से आता नहीं है, तो मैंने सिंपली सोचा यही कि चलो जैसा सस्ता गेम प्ले है वैसा ही डाल दूंगा। बस थोड़ी मोड़ी एडिट, कलर ग्रेडिंग वो जो होती है मुझे ढंग से आता नहीं, इसलिए मैं ये डाल रहा हूँ। तो चलिए, हम उतर चुके हैं मिलिट्री बेस और यहाँ पर हम थोड़ी लूट कर लेते हैं। नहीं पता ये 3 नंबर मेरे साथ चिपक कर क्यों चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे मिल गई है AKM और M16 उठाऊंगा। तो यहाँ पे नहीं पता मेरे बंदे किससे फाइट कर रहे हैं, लेकिन चलिए हम भी चल के एक बार चेक कर लेते हैं कि बंदे हैं कि नहीं। वो लोग तो मार्क कर रहे हैं कि बंदे हैं, तो चलिए हो सकते हो भी। तो हम यहाँ पहले ऊपर जाके चारों तरफ का नज़ारा ले लेते हैं कि कहाँ कहाँ बंदे आए हैं। यहाँ अभी जस्ट हुई है सामने से फायरिंग, तो चलिए हम थोड़ा और विस्तार में जानते हैं फायरिंग की किसने है। तो मैं आशा करूँगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर 0.01% भी पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक करना, नहीं भी आए फिर भी लाइक करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना गेम। तो इस सस्ते से इंट्रो को देखते देखते मुझे आया है यहाँ से फुटस्टेप, तो मैं समझ गया ये बॉट है और 3 नंबर किसी को लूट रहा है। मेरे पास गोलियाँ कम है तो मैं इसे मार कर लूटने जाता हूँ। और आप देख सकते हो 3 नंबर कितनी तेज़ी से आ रहा है लूटने के लिए। तो यहाँ लुटम पट्टी में रैंक 1 आने के लिए कोई बात नहीं, इतना धन्यवाद नहीं दीजिए, लेकिन इसको लूटने के बाद हम निकलते हैं बंदों पे। तो मुझे ओपन में एक बंदा दिखा, मुझे नहीं पता उसने मुझे देखा कि नहीं, लेकिन मैं आगे की तरफ जाता हूँ और ये इसको मारने के बाद इसका बंदा मेरे टीममेट से बदला लेना चाह रहा था, तो उसे भी हम खत्म करते हैं। इसे मारने के बाद मेरे पास हो गई है लूट की कमी, तो चलिए पहले हम थोड़ा लूटते हैं। अरे भाई, लूटते लूटते मुझे सामने एक बंदा स्पॉट हुआ, मतलब ग्लिच से जो वो दिखता है ना हल्का हल्का करके ब्लैक डॉट। तो मैं तभी आगे जा ही रहा था कि एक बंदा जंप करते हुए निकलता है मेरे सामने से, और यहाँ देखो क्या ही बवाल होने वाला है। बंदे ने लगभग मुझे फिनिश कर ही दिया था, लेकिन थैंक गॉड मुझे प्रोन करना भी आता है, तो मैंने सो के उसे पहले खत्म किया। और मैं पहले हील करूँगा सांप बन के। सामने से उसका आखिरी बंदा जो है फायरिंग करता है, लेकिन मैं बच जाता हूँ, शायद वो मेरे टीममेट पे कर रहा है। तो पहले हम कोशिश करते हैं उसे फिनिश करने का, लेकिन नहीं होता है। तब तक मैं वो बंदा पुश कर रहा होता है। इसे फिनिश करने के बाद हम निकलते हैं ये मिलिट्री बेस से। मिलिट्री बेस से निकलते निकलते अगर एक आध बॉट किल हो जाए तो क्या ही मजे। एक और, तो हम लोग निकल चुके हैं मिलिट्री बेस से और मेरे बंदे को बंदे दिख रहे हैं, तो मैं भी देखूं भाई कौन बंदा है जो ओपन में घूम रहा है। तो ये बंदा नहीं था, ये बल्कि बॉट था। तो चलिए हम अपने बंदे को देते हैं 1-2 बॉट किल, ताकि वो भी हमसे खुश रहे और हमारी बात माने, क्योंकि जानते हो रैंडम में यही एक प्रॉब्लम होता है कि अगर तुमने उसका बॉट किल चोरी किया तो या तो वो तुम्हें मारेगा या फिर वो तुम्हारी बात ही नहीं मानेगा। तो यहाँ पर इस बंदे को एक और बॉट मारना था, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो गाड़ी चला सकता हूँ, मैंने जो कर दी गाड़ी जो मारी। रास्ते में नहीं पता कितने बॉट आ जा रहे हैं, ये लो एक और मारे। मेरे पास है प्लेयर और मैंने उनसे पूछा कि कहाँ छोड़ू प्लेयर, तो इस बंदे ने ये जवाब, छोड़ दे इस ब्रिज पे, छोड़ दे यहीं पे बंदे आएंगे। प्लेयर छोड़ दो, हाँ इस ब्रिज पे छोड़ दो, ब्रिज पे। तो मैंने यहाँ इनकी बात मान ली है, मैं इस ब्रिज पे प्लेयर चलाने जा रहा हूँ और थोड़ा आप देखना कि चैंपियन स्टाइल होता कैसे है। तो आइए सीखते हैं, ब्रिज पे लगा दो, बीच ब्रिज पे लगा दो गाड़ी। और अब बस बस चलो, बढ़िया है।
बंदे की बात सुनना, क्या ही बोला। पोजीशन पकड़ ले अपने अपने, समझ रहे हो, पोजीशंस पकड़ लो अपने अपने, मतलब फुल कैंपिंग। लेकिन हम लोग यहाँ कैंप कर रहे थे, कोई नहीं आया सिवाय एक दो बॉट के, तो हम लोग यहाँ से निकल के वापस घूम के यहीं पर आते हैं और हमें देखती है सामने क्या करी गाड़ी। तो अब यहाँ से होता है फाइट शुरू। क्यों है हमारे आगे भी बंदे, हमारे पीछे भी बंदे, और थोड़ी देर बाद आपको हमारे बगल में भी बंदे दिखेंगे। मतलब टोटल मिला के यहाँ 3 स्क्वाड है। तो यहाँ मैं अपने बंदे को हल्का कवर दे रहा था कि मुझे पीछे से किसी के घिसकने की आवाज आई। Watch out! तो यहाँ एक स्क्वाड हो चुकी है खत्म, अब बचे हैं 2 स्क्वाड। 2 स्क्वाड नहीं बोल सकता, एक बंदा और 3 बंदे, मतलब 4 बंदे बचे हुए। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा बचा है, तो आइए उसे भी मारते हैं। उसे मेरे बंदे ने डैमेज दे दिया है, इसलिए मैं उसे सिंगल शॉट में मारूंगा। तो आशा करता हूँ आपको गेम प्ले पसंद आया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वी आर द बेस्ट।